वेलकम फ्रेंड्स, मम्मी द हुनर चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए क्रॉस स्टिच के नए ट्यूटोरियल के साथ हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप पूरी सीट भी ले सकते हैं और हाफ पार्ट भी ले सकते हैं। यह 11 मल्टीप्लाई 13 के रेशियो में बनाया हुआ प्रोजेक्ट है। यहाँ पर मैंने इसे क्लास के अंदर समझाते हुए बच्चों को सिखाया है। कोई भी बिगिनर्स इसे बड़ी आसानी से बना सकता है। हमें किस तरह से बनाना है यहाँ पर मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखते जाइए तो इसे आप बड़े इजी तरीके से बना सकते हैं। एकदम सिंपल है। देखिए ये बच्ची बना रही है किस तरह से। पहले दो लेते हैं, फिर चार, फिर पाँच, फिर छः और फिर सात। सात हमने लाइनें ली हैं और ये लगभग 11 छेद जो हैं हमारे पॉइंट्स जो हैं ये कवर होते हैं और सीधे पॉइंट्स हमारे 13 कवर होते हैं। इस तरह से हमें 13 गिन लेने हैं और यहाँ से हम नीचे की तरफ जाएंगे क्योंकि ये सेंटर पॉइंट है। यहाँ पर हमारा आधा स्क्वायर बनेगा क्योंकि सीट में जब हम स्क्वायर बनाएंगे तो कॉर्नर का भाग जो होगा वहाँ पर हाफ होगा। मैंने इसे डबल ऊन से बनाया है। पहले डबल ऊन नहीं की है, सिंगल सिंगल हम दो बार डालते हैं क्योंकि जो बिगिनर्स होते हैं उन्हें दो एक साथ ऊन लेने में थोड़ी तकलीफ होती है, इसलिए सिंगल ऊन को दो बार रिपीट किया गया है जिससे कि फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है। इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर एक ऊपर की तरफ हम जाएंगे और इस तरह से दो बारी से यहाँ से कर लेंगे और इसी तरह से एक 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 पॉइंट्स ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे। ये बच्ची भी देखिए इसी तरह से गिनकर कुंदे समझकर इसे बना रही है क्योंकि बिगिनर्स हैं, उन्हें भी इस चीज़ को समझना है और उसके साथ ही इसे बनाना है। बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर बनकर यहाँ पर तैयार होगा। ये स्पेशल चाइल्ड है मेरे पास तो हम उसके साथ ये ट्यूटोरियल सिंपल और सादे जो ट्यूटोरियल हैं मैं उसी के साथ इसे बनाती हूँ जिससे कि ऐसे बच्चों को जो कि बिल्कुल घर में रहते हैं अपना टाइम पास नहीं कर सकते उनके लिए इस तरह के ट्यूटोरियल काफ़ी उपयोगी होते हैं। तो और जो बिगिनर्स हैं वो भी इसे सीख सकते हैं। देखिए इस तरह से बिल्कुल इजी और सिंपल, एकदम आसान कि हमें बनाने में कोई भी मुश्किली नहीं आती। अगर इस प्रकार की हम डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं तो आसानी से बना सकते हैं। देखिए चाइल्ड स्पेशल है फिर भी बड़े सलीके से और सुंदर तरीके से ये बच्ची बनाती है। ये देखिए इस तरह से बनाने का जो तरीका है वह काफी अच्छा है। एक एक हमें यानी सात पॉइंट ऊपर की तरफ जाने हैं और फिर छह पॉइंट नीचे की तरफ। सातवां पॉइंट जो सेंटर में होता है वह बड़ा होता है, फिर जब ये छोटी नीचे जगह बची है तो वो यहाँ पर हमें इस तरह से कवर कर लेनी है। आप इसे दो कलर या मल्टीपल कलर में बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर अलग अलग कलर लिए हैं। ये बैक साइड है, देखिए बैक साइड में भी बिल्कुल फिनिशिंग है। हमें पता ही नहीं चलता कि ये बैक साइड है, पर धागे को इंसर्ट कैसे करना ये भी मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। आप इस तरह से इसे बना सकते हैं। 13 पॉइंट गिनेंगे और हाफ स्क्वायर यहाँ पर बनाएंगे और फिर इसे सेम स्पेस में से हम डालेंगे
और फिर से एक बार टर्न करेंगे, क्योंकि सिंगल ऊन है इसलिए हमने एक ही जगह पर दो बार हमें सुई डालनी होगी। अगर डबल ऊन होती तो सिंगल टाइम इसे किया जा सकता है। यह सीट हमारी मल्टीपल यूज़ में काम आती है, डाइनिंग टेबल पर, ड्रेसिंग टेबल पर या रीडिंग राइटिंग टेबल पर भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। देखिए कितनी प्यारी और ये सुंदर लग रही है। ये वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और कैसा वीडियो चाहते हैं ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे कि मैं आपके अनुरूप और अनुकूल वीडियो बनाकर आपको बता सकूं। मेरे पास कुछ स्पेशल चाइल्ड भी हैं, मैं उन्हें भी ये चीज़ें सिखाती हूँ, बिगिनर्स हैं, तो आप अपने विचार अवश्य बताइए मुझे। ये देखिए बैक साइड में हमने धागे को किस तरह से इंसर्ट किया है, ये भी आप देख सकते हैं। बिल्कुल पता नहीं चलता कि बैक साइड और राइट साइड हमारी कौन सी है। एकदम सुंदर ट्यूटोरियल बनकर हमारा तैयार है। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।